हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, गति के नियम के अंतर्गत हमने इससे पहले वाले भाग में न्यूटन के गति के नियम समझे थे। चलते हैं अब आगे की ओर। अगली हेडिंग आती है आवेग। इंपल्स क्या जानने जा रहे हैं हम? इंपल्स जानने जा रहे हैं, ठीक है? इंपल्स, ठीक है, इसी को हम समझते हैं। सबसे पहले आवेग क्या है, किसके बारे में जानेंगे? आवेग, आवेग किसी वस्तु पर किसी समय अंतराल में बल की माप है। क्या कहा? आवेग किसी समय अंतराल में वस्तु पर बल की माप है। आवेग किसी समय अंतराल में वस्तु पर किसकी माप है? बल की माप है, यानी यह बल को मापता है कितने समय में कितना बल कार्य कर रहा है। तो आवेग जो है वो किसी समय अंतराल में बल की माप है। अब हम और आगे को और बढ़ें, इसे हम कहें किसी वस्तु पर कम समय अंतराल में यानी अल्प समय अंतराल में आरोपित बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। आवेग को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी होता है। परिभाषा क्या हो गई, फिर से एक बार रिपीट कर दें। अल्प समय अंतराल में आरोपित बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ऐसे सामान्य रूप से अगर हम परिभाषा बताएंगे, किसी समय अंतराल में या अल्प समय अंतराल में आवेग वस्तु पर बल की माप है। समय के साथ बल को मापेंगे हम, जिसे उसी को हम आवेग कहते हैं। और आवेग की परिभाषा बनी किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा अल्प समय अंतराल के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। क्या कहा? किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल और अल्प समय अंतराल के गुणनफल को। अल्प समय अंतराल या कम समय में बल क्या होता है? अधिक होता है। और ज्यादा समय बल का मान यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहेंगे? आवेग। यह समय अंतराल कौन सा है? वह समय अंतराल जिसमें बल क्या हो रहा हो? आरोपित हो रहा हो। तो मींस किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा उस समय अंतराल जिसमें बल क्या हो रहा है, आरोपित हो रहा है, के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। आवेग को आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। अब इसका मात्रक समझे हम। बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकंड। हम इस मात्रक को किसी और उसमें बदलना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल को लिख सकते हैं हम किलोग्राम बल एफ, एफ बराबर एम इंटू ए, तो एम इंटू ए इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो इसका मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। मात्रक निकाली तो अगले बात पे आते हैं, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान के लिए एम एल टी पावर क्या होगा? माइनस वन होगा। यह कैसी राशि है, क्वेश्चन उठता है, तो यह सदिश राशि है। सभी ध्रुवीय सदिश हैं क्योंकि इनके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु है, और इसकी दिशा जो होती है आवेग की वो बल की दिशा में होती है। तो इसकी दिशा जो होती है यानी आवेग की जो दिशा होगी वो किसकी दिशा में होगी? बल की दिशा में। अब हम चलें आगे की ओर। आवेग संवेग, पीछे संवेग के बारे में पढ़ा था। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। फिर में आवेग संवेग प्रमेय क्या होती है इसको समझें। पहले न्यूटन के द्वितीय नियम से
द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। क्यों, हमने पढ़ा है त्वरण के बारे में, वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका गुणा हम इसमें कर दें, एफ इंटू डेल्टा टी लिख लेते हैं, एम इंटू डेल्टा वी लिख लें इसे। यह क्या है, संवेग में परिवर्तन, तो एफ इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी। और यह क्या है, आवेग, आवेग संवेग में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात आवेग संवेग में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है, इसी को हम आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं। कभी भी आवेग संवेग प्रमेय पूछी जाए तो किसी वस्तु पर आरोपित आवेग उसके संवेग में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है, इसे हम आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं। यही आवेग और संवेग में पर, यही कारण है आवेग संवेग के बराबर, तो इसका मात्रक देखो संवेग के बराबर विमा आए। तो आवेग और संवेग, आवेग किसी वस्तु पर कम समय अंतराल में आरोपित बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, हम आवेग कहते हैं। और आवेग संवेग में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। हम एक बात जान गए यहाँ पर कि जो आवेग है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर। एक चीज और जाने, आवेग जो है बल और समय पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। बल और समय पर क्या कर रहा है, निर्भर। अगर हम समय बढ़ाएंगे तो बल का मान कम होगा, क्योंकि इनका गुणनफल तो फिक्स है। किसी वस्तु पर आवेग जो है, किसी कोई वस्तु किसी आवेग से आ रही है, हम उसका समय कम कर दें तो निश्चित ही उसमें बल का मान बढ़ जाएगा, और अगर हम समय बढ़ा दें तो बल का मान क्या हो जाएगा, घट। बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में रोज करते हैं, लेकिन इसको कभी नहीं समझते हैं कि ऐसा क्यों होता। एक छोटे से उदाहरण की बात करें, जब हम बॉल को कैच लेते हैं तो क्या करते हैं, कैसे लेते हैं कैच, बॉल आई ऐसे, या उसको लेके अपने हाथ को क्या करते हैं, पीछे, बिल्कुल सही, पीछे की ओर लेते हैं। हमने बॉल को पकड़ा और अपने हाथ को क्या करते हैं, पीछे। अगर हम अपने हाथ को रिजिड कर दें, रोक दें एक जगह, तो बॉल क्या होगी, हाथ में गिरेगी, हाथ में चोट लगेगी, वो बॉल बाहर गिर सकती है। इसलिए हम बॉल को पकड़ने के बाद अपने हाथ को क्या, कहाँ को खींचते हैं, पीछे की ओर खींचते हैं। कभी इसका कारण सोचा, आंसर यही है, एफ बराबर एफ इंटू डेल्टा टी का, हमने एफ आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। जब हमने उस बॉल को पकड़ा, बॉल को पकड़ने के बाद अपने हाथ को कहाँ ले जाते हैं, पीछे की ओर ले जाते हैं, तो बॉल के रुकने का समय हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, समय का मान बढ़ा दिया, तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम। क्यों, वेग में परिवर्तन तो कर रहे हैं, लेकिन समय का मान हमने बढ़ा दिया रोकने का, तो उस पर हाथ पर बल का मान, यानी बॉल के द्वारा लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारे हाथों में चोट नहीं लगेगी। यही कारण है जब हम बॉल को पकड़ते हैं तो मींस कैच लेते हैं तो अपने हाथ को क्या करते हैं, पीछे की। और एक उदाहरण दो जाने, जब हम किसी जमीन पर रिजिड बॉडी मींस फर्श है समतल, हम उस पर कूदें ऊंचाई से, और जब हम कूदेंगे तो हम बिल्कुल एकदम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। जब हम एकदम रुक जाएंगे तो समय का मान क्या होगा, कम होगा, और हमारे पैरों पर लगने वाले बल का मान, प्रतिक्रिया बल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पैरों को चोट ज़्यादा लगेगी। अब हम उसके बजाय क्या करें, पक्के सीमेंट की जगह हम गद्दे बिछा दें या बालू कच्ची जगह पर कूदें, तो ऐसी स्थिति में हमें रुकने के लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। समय का मान ज़्यादा होगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारे पैरों पर चोट कम। यही कारण जब कप जमीन पर गिरता है, पक्की जमीन पर गिरता है, तो वह तुरंत टूट जाता है, लेकिन अगर वही कप किस पर गिरे, कच्ची जमीन बालू पर गिरे, तो वह नहीं टूटता है। कारण वही आवेग, जैसे ही पक्की जगह पर गिरा, फर्श पर गिरा, तो कम समय में कप रुक गया, कम समय तो बल का मान क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि एफ इंटू डेल्टा टी नियत है, वस्तु को दिया गया आवेग नियत है, तो आवेग तो नियत है, समय का मान कम हो गया रुकते समय,
तो बल का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और उस बल वह कप पर बल ज्यादा लगेगा तो टूटेगा। बालू पर गिरेगा वही, नीचे बालू डली हुई है, बालू का ढेर है, और कप उस पर गिरा, जैसे ही उस पर गिरा तो वह कप एकदम नहीं रुकेगा, कुछ देर बाद धीरे धीरे खिसक के रुकेगा। समय का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। समय का मान जब ज्यादा हो जाएगा निश्चित ही बल का मान क्या हो जाएगा, कम। तो बल का मान कम होगा तो निश्चित वह कप टूटने से बच जाएगा। एक्सीडेंट होते हैं, हम स्पीड से होते हैं, हम एकदम जब एक्सीडेंट होने पर एकदम किसी चीज से टकरा कर रुकते हैं तो समय का मान बहुत कम होता है। समय का मान बहुत कम होने पर बल का मान कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके काम है दुर्घटना। हमारी रुकने का समय, हम किसी फॉर्म से टकराएं हमें चोट नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि उससे रुकने का समय क्या होगा, रुकने का समय क्या होगा, ज्यादा होगा। समय ज्यादा होगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में हमें चोट कम आए। कन्फर्म इतनी सी बात। आवेग, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आवेग बल तथा समय के गुणनफल के बराबर होता है। आवेग बल की माप है, किसी समय अंतराल में बल की माप है, और या उसमें बहुत इम्प्लस है, यानी वो कम समय अंतराल में ज्यादा कबल कर रहा है, इसलिए उसमें आवेग बहुत है। तो समय अंतराल कम होगा तो बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और आवेग जो है वो संवेग में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। तो आवेग और संवेग, संवेग में परिवर्तन ही आवेग कहलाती है, सीधी सी बात ऐसे कर ले। संवेग में परिवर्तन समय के अकॉर्डिंग होगा, कितने समय में कितना हो रहा है, इसलिए यह आवेग जो है वो समय पर निर्भर करेगा, ठीक उसी के अकॉर्डिंग, यानी समय पर बल जो है वो समय पर निर्भर करता है। कन्फर्म इतने उदाहरण, इस टॉपिक को तैयार करें, अगले टॉपिक में हम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्ते, ओके, थैंक यू।